आप देख रहे हैं रायबली न्यूज़ और मैं हूं जनपद अमेठी के जायस कस्बे में, जो पहले रायबरेली जनपद का हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ पे जन्मे हुए मलिक मोहम्मद जायसी साहब के नाम पे बना हुए इस शोध संस्थान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब की जन्मस्थली है जायस, जहाँ पे उनके नाम पे ये शोध संस्थान बनाया गया है। उसकी हालत मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हाल है जायस का, मलिक मोहम्मद जायसी के कस्बे में मलिक मोहम्मद जायसी की जो चीज़ें हैं उनका क्या हश्र है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए, जायसी साहब का यहाँ पे उद्गार लिखा हुआ है, जायस नगर धर्म स्थानु तहाँ आए कब कीन बखानु। ये उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है, पद्मावत में। पद्मावत वो ग्रंथ है जिसके नाम पे एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली तक जाती है, प्रतापगढ़ से दिल्ली। और ये संस्थान है शोध संस्थान। शोध संस्थान का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आके लोग मलिक मोहम्मद जायसी साहब के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें, शोध करें। और ये देखिए लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी साहब की यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनके लिखे हुए उद्गार यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ये जालों से ढक गए हैं। ये प्रशासन है, लोकल प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है वो कितना सम्मान करता है यहाँ के, जो स्थानीय साहित्यकार हैं उनका कितना सम्मान करता है। ये शोध संस्थान है राय जनपद अमेठी में मलिक मोहम्मद जायसी साहब का। और इस शोध संस्थान को देखिए, ये हंस रहे यहाँ का, और ये इसको लोगों ने नशे का अड्डा बना रखा है। यहाँ पे लोग आते हैं और नशा करने के लिए आते हैं शाम को। ये देखिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब की याद में बनाया गया है शोध करने के लिए, मलिक मोहम्मद जायसी साहब पे, उन्हीं के नाम पे ये शोध संस्थान है। आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। ये देखिए, ये बाहर का हिस्सा है और ये गंदगी आपको दिखाते हैं, बहुत सारी गंदगी है यहाँ पे। ये देखिए, ये उनके नाम पे बनाया हुआ शोध संस्थान है जिसकी ये हालत है। ये बच्चे यहाँ पे आके, इन्होंने ग्राउंड भी बना दिया है इस पे, यहाँ पे आके क्रिकेट वगैरह खेलते हैं।